सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। मैं आज आपको जो ये वीडियो बना के लेके आया हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बेंगलोर में मेट्रो कॉरपोरेशन विभाग में जो ये वैकेंसी निकली है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है। इसलिए साथियों आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, जिससे इस भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको आसानी से समझ में आ सके। साथियों में हर बार स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट वैकेंसी और उन वैकेंसियों से संबंधित जो भी ताजा अपडेट आते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे जो भी लेटेस्ट भर्तियों से संबंधित सूचना और उनसे संबंधित जो भी ताज़ा जानकारी आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों मैं आपको बताऊंगा इस वैकेंसी के बारे में। देखिए जो ये वैकेंसी निकली है वो है बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड विभाग 2018 में ऑनलाइन आवेदन हेतु ये वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि ये वैकेंसी है जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए जो ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो पोस्ट हैं वो जो पोस्ट इस प्रकार से हैं, इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट हैं जिनमें पदों की संख्या 31 यानी कि 31 पोस्ट हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा विभाग है वो है असिस्टेंट इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर में पदों की संख्या 68 है। इस प्रकार इसमें जो आयु सीमा है वो इस प्रकार है कि जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसमें अधिकतम आयु अभ्यर्थी की 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। इसके साथ ही जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी जो 68 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उसके लिए मैक्सिमम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस वैकेंसी में आवेदन केवल ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 अगस्त 2018, यानी 31 अगस्त 2018 से पहले अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें, इसके पश्चात आपका आवेदन रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं होगा। मैं आगे आपको बताता हूँ कि जो ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के पश्चात जो वेतनमान दिया जाएगा वो इस प्रकार से है। जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट है उसमें वेतनमान पर मंथ 55,860 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और जो सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए उसमें वेतनमान पर मंथ 48,280 रुपये पर मंथ के रूप में दिए जाएंगे। साथियों मैं आपको बताऊंगा कि इसे जो बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विभाग में जो भर्ती निकली है इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, इसमें जो योग्यता सीमा है वो इस प्रकार है। जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जो पद हैं उसके लिए योग्यता अभ्यर्थी बीई या बीटेक या सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा हो, इसके साथ ही उसको संबंधित जो ट्रेड है उसमें उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही जो दूसरी पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, इसके लिए जो योग्यता है वो है बीई या बीटेक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का होना चाहिए। इसके साथ ही इस संबंधित जो ट्रेड है असिस्टेंट इंजीनियर की जो सिविल इंजीनियर में उसका एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। साथियों इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन यानी चयन प्रक्रिया होगी उसमें किसी प्रकार का कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के आधार पर ही इस वैकेंसी में सिलेक्शन किया जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप www.bmrc.co.in की साइट पर जाकर भी आप विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। साथियों अपना ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जो ऑनलाइन का जो प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट की फोटोकॉपी, एक फोटोकॉपी जो प्रिंट की वो घर पे रखनी है, और उसके साथ ही जो एक प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट को इस बताए गए पते पर आपको 31 अगस्त 2018 से पहले भेजना है। ये पता है आप नोट कर लीजिएगा, जो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ भेजने हैं, और इसमें जो अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो लगा के सेल्फ अटेस्टेड करके और 31 अगस्त से पहले इस पते पर, पता है जनरल मैनेजर बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन थर्ड फ्लोर बीएमटीसी कॉम्प्लेक्स शांति नगर बेंगलोर, जो इसका पिन है वो है 560027,
इस पते पर अपना ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अपना आवेदन पत्र बताए गए पते पर भेजना है। और साथियों, आप अपनी महत्वपूर्ण राय, जो भी महत्वपूर्ण राय है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हर बार गवर्नमेंट विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना आती है या भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी, सबसे पहले आप तक पहुँचाता रहूँ, इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।